बीजेपी सरकार ने कश्मीर से 370 आर्टिकल 370 हटा दिया, आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, जब देश एक है तो दो झंडे नहीं हो सकते, देश एक है तो दो संविधान नहीं हो सकते, देश एक है तो उनको बांट के रखने वाली राजनीति करने वाले कब तक इस देश में जिंदा रहेंगे। तो 370 के हटाने से पूरी तरीके से भारत को आज आज़ादी मिली है, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे गृह मंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को। ये काम तभी हो सकता है जब एक बहुत स्ट्रांग निर्णय करके एक बहुत स्ट्रांग लीडर आगे चलता है, ये मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता था। बट अभी भी कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, उनका कहना है कि देश को दो टुकड़ों में बांटा जा रहा है। पूरे देश में आपको ना जितने दुखी चेहरे दिखेंगे वो या तो कांग्रेस के नेताओं के दिखेंगे या कुछ और विपक्षी नेताओं के दिखेंगे। जनता खुश है, लोग खुश हैं, क्या फर्क पड़ता है? ये कुछ चंद नेता परेशान हैं भी, तो वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि सेल्फिश हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं इसलिए परेशान हैं। मोदी जी का कहना है एक देश एक संविधान, और ये आज सच हो गया है। मोदी जी शेर हैं, जैसा ठान लेते हैं वैसा करके दिखाते हैं। जैसे हम कहते हैं संकल्प से सिद्धि, हमारे मैनिफेस्टो में हमेशा से था कि हम 370 को हटाएंगे, आज हटाकर हमने दिखा दिया। 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं मोदी 2.0 के, 100 दिन पूरे होने से पहले हमने अपना वादा निभाया। थैंक यू। कल 370 हटा दिया गया है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आप अगर देखें तो भारत के गणतंत्र भारत में आज एक ये नई सुबह हुई है। हम में से कई लोग, आप मैं, हम 1947 में नहीं थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था, लेकिन आज जिस प्रकार से भारत की एकता, अखंड एकता, आज पहली बार आप ये कहेंगे जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर का जो सच में आज विलय हुआ है भारत के साथ, और इसलिए ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और पूरे देश भर में इसका बहुत स्वागत हो रहा है, और सही मायने में संवैधानिक रूप से आज हम सेकुलर हुए। कांग्रेस अभी भी इसका विरोध कर रही है। देखिए, कांग्रेस अब एक, वहाँ कांग्रेस वही पार्टी है जिसमें कभी सरदार पटेल थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, ऐसे दिग्गज नेता थे जो कि राष्ट्र को जो है सर्वप्रथम रखते थे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ कुछ एक लोगों की जागीर बनकर रह गई है। उसमें ना कोई विचार है, ना ही कोई एक वैचारिक भारत के प्रति या देश के प्रति उनका कोई लगाव है, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं, और शायद यही कारण है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने भी आर्टिकल 370 पर मोदी जी का समर्थन किया है। जी, स्वागत योग कदम है, और अच्छा लगा देखकर कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी आगे आके इस बात का समर्थन किया है, और ऐसे ही बाकी लोगों को भी, क्योंकि देखिए ये दलगत राजनीति से ऊपर का विषय है, तो सारे राजनेता हैं, किसी भी पार्टी के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आगे आके इस चीज़ का स्वागत करना चाहिए। बीजेपी सरकार का कहना है एक देश एक संविधान, इसलिए आर्टिकल 370 हटना जरूरी था। जी हाँ, देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भी यही नारा दिया था, और उन्होंने अपना बलिदान दिया उस समय। आपको मालूम है जम्मू और कश्मीर में आप मेरे जैसे आम नागरिकों को जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था, जैसे कि आप किसी विदेश में जा रहे हो, और उन्होंने इस बात के लिए उन्होंने पैदल यात्रा करी, और उसके बाद उन्हें जेल हुई, उनकी जेल में मृत्यु हुई, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को खत्म किया था, और लोग बिना किसी परमिट के आना जाना, नहीं तो परमिट लेना पड़ता था जम्मू कश्मीर में जाना। खुद सोचिए, आप ही के देश का एक हिस्सा है और वहाँ आपको जो है परमिट लेके जाना पड़ता था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वहाँ पे पहले रणबीर पेनल कोड चलता था, और अब वहाँ भी आईपीसी, जैसे पूरे देश में आईपीसी है वैसे ही वहाँ चलेगा, और इसमें सारा देश आज बिल्कुल सरकार के भी साथ है, और एक ये बहुत ही सराहनीय कदम है जिसका बहुत लंबे समय, जो चीज़ आज से 70 साल पहले हो जाना चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को साधुवाद है, और उस बात की उनकी पूरी प्रशंसा होनी चाहिए।